नमस्कार दोस्तों। स्टूडेंट्स अक्सर पूछते रहते हैं परीक्षा के समय आईएमपी क्वेश्चन, बता दीजिए सर आईएमपी क्वेश्चन। तो आज आईएमपी क्वेश्चन को हम सीधे एमपीबीएसई की वेबसाइट पर देखेंगे। क्रोम से हम सर्च करते हैं या गूगल पे देखेंगे, mpbsi.nic.in। इस पे हम सर्च कर, ये एमपी बोर्ड का इंटरफेस इस पे दिख रहा है, एमपी बोर्ड की वेबसाइट है ये। इसमें मॉडल क्वेश्चन पेपर भी है और एकेडमिक्स में जाएंगे ब्लूप्रिंट भी है। एकेडमिक्स में देखते हैं हम क्या है। तो ये नए पैटर्न के आधार पे जो है 2022-23 के क्वेश्चन पेपर है, इसमें सैंपल पेपर। तो हम इसको देखते हैं, इसमें खोलते हैं पीडीएफ को। हाई स्कूल हायर सेकेंडरी परीक्षा 2022-23 के लिए नवीन परीक्षा पैटर्न के आधार पर प्रश्न पत्रों के पैटर्न की जानकारी के लिए मुख्य विषयों के अभ्यास हेतु सैंपल पेपर मंडल की वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं। इन प्रश्न पत्रों का मुख्य परीक्षा में उपयोग होने वाले प्रश्न पत्रों से कोई संबंध नहीं होगा, न ही विशेष प्रश्न के रूप में इसे लिया जाए। लेकिन इन सैंपल पेपर्स को देख करके जो है हमको परीक्षा की तैयारी के लिए एक पैटर्न मिल जाएगा। तो पैटर्न के लिए हम इनको देखेंगे। ये इसको डेस्कटॉप साइट कर लेते हैं। ये ओ हाई स्कूल हायर सेकेंडरी 2022-23 नवीन परीक्षा पैटर्न पे आधारित प्रश्न पत्रों का पैटर्न है, इसमें सैंपल पेपर है ये। तो सैंपल पेपर के क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट होते हैं, परीक्षा में नहीं आएंगे ऐसा कुछ नहीं, आ भी सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही होते हैं इसके सैंपल पेपर के। तो इसमें देखो 12th के जो है 14 जो पेपर है वो 12th के है, और 15 से लेकर 20 तक जो पेपर है, पॉइंट 15 से 20 तक, ये 10th के पेपर है। 12th के जो सैंपल पेपर है वो है हिंदी का है, इंग्लिश का है, संस्कृत है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, बिजनेस स्टडीज, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी। ये 12th के 14 पेपर है, और 10th के है, 10th के 15 से 20 तक 5 पेपर है, साइंस, संस्कृत, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स। तो हम 12th का इंग्लिश का पेपर ओपन करके देखते हैं। इसमें ये सब सभी पेपरों की ये जो है डाउनलोड करने के लिए पीडीएफ है इसमें साथ में। तो हम एक एग्जाम्पल के लिए एक इंग्लिश 12th इंग्लिश का पेपर ओपन करके देखते हैं। इसमें ये डाउनलोड का ऑप्शन आ जाता है, हम इसको डाउनलोड करके रख सकते हैं। मेरे पास पहले से डाउनलोड है इसलिए डायरेक्ट देखते हैं। ये मॉडल क्वेश्चन पेपर ये आ गया 12th का जो है 2022-23 में इस प्रकार का पेपर आएगा। 80 मार्क्स का पेपर है ये। सेक्शन ए रीडिंग सेक्शन, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ये 10 नंबर का प्रश्न है, जो पहला प्रश्न है वो 10 नंबर का आएगा। एक एक नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन ये इसमें दिए रहेंगे, जिसमें एक ऑप्शन सही है। जैसे पहला क्वेश्चन है ये द ग्लोबल टाइगर फोरम कंपेराइजेस, इसमें से ये 4 में से जो ऑप्शन सही होगा वो चुन के भरना है। तो इसमें हम ध्यान से पढ़ के देखें तो सारे उत्तर इसी में मिलते हैं हमको। जैसे द ग्लोबल टाइगर फोरम कंपेराइजेस ये लिखा है, तो इसमें हम इसको अगर देखेंगे तो वेयर हैज़ द टाइगर पॉपुलेशन इंक्रीज द मोस्ट, यहाँ पर हम ढूंढेंगे। तो इसमें जो ऑप्शन दिए हैं उसमें से जो सही ऑप्शन होगा वो भी हमको पैसेज में मिल जाएगा। इसको एक अलग से वीडियो में मैं इसको अनसिन पैसेज को कैसे सॉल्व करना बहुत इजी तरीके से, ये 10th के इसमें तो बताया था, 12th में भी एक वीडियो बना के मैं बताऊंगा। अभी क्योंकि पूरा पेपर को देखना है इसलिए अभी इसको हम आगे बढ़ जाते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट्स, ये सेकंड जो प्रश्न है वो
अनसीन पैसेज का जो है नोट्स और टाइटल, पहले समरी भी आती थी लेकिन अभी जो है सिर्फ नोट्स और टाइटल, 4 नंबर का क्वेश्चन आता है ये। तो नोट्स टाइटल बनाने का भी एक वीडियो जो है मैं डाल दूंगा, ये भी बहुत सरल, ये सबसे सरल प्रश्न होता है, 4 नंबर बहुत आसानी से हम इसमें ला सकते हैं। तो ये सेक्शन ए हो गया रीडिंग। सेक्शन ए रीडिंग में क्या होता है कि हम पैसेज इसको पढ़ के हमको कितना समझ में आता है उसका टेस्ट होता है रीडिंग, मतलब हमारा पढ़ना कितना सही है। और फिर सेक्शन बी जो है वो होता है राइटिंग, क्वेश्चन में राइटिंग, सेक्शन बी राइटिंग, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है। इसमें लेटर और एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन आती है एक लेटर आता है अथवा में, तो 4 नंबर का आता है ये भी। लेटर एप्लीकेशन लिखने का भी जो है आप वीडियो देखना, राइट ए लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट अबाउट द लेक ऑफ फैसिलिटीज एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑफ योर एरिया। तो ये इस प्रकार का जो है, ये 4 नंबर का चौथा जो प्रश्न है, ये लेटर एप्लीकेशन, और ये इधर भी एक दो प्रश्न है लेटर एप्लीकेशन, मतलब 4 और 4 8 नंबर के हो गए। अभी क्वेश्चन नंबर 5 में जो है ये है प्रोड्यूस ए राइट अप, एक जो है राइट अप 120 शब्दों में इन अबाउट 120 वर्ड्स, तो राइट अप बनाना। इसमें एनएसएस कैंप इन रामपुर विलेज, तो एनएसएस कैंप पे अक्सर आता है, प्लांटिंग ऑफ ट्रीज वृक्षारोपण, तो ऐसे ये जो है इस पे राइट अप लिखना, मतलब एक रिपोर्ट टाइप बना के लिखना, शॉर्ट यानी पैराग्राफ लिखना ही है वो। अभी राइट ए शॉर्ट, ये अथवा में है, राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 120 वर्ड्स, तो ये क्वेश्चन आता है, ये 4 नंबर का है। अब सेक्शन सी ग्रामर में जो है 10 नंबर है, 5 नंबर के रिक्त स्थान आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स, जो यहाँ से उत्तर 3 दिए होते हैं उसमें से चुन के भरना। और डूएस डायरेक्टेड, ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन होता है, कोष्टक में जैसा दिया होता है उससे करना। जैसे यहाँ पर ये है, ही डिड नॉट स्टडी वेल ही फेल्ड, और कंबाइन द पेयर ऑफ सेंटेंसेस यूजिंग बिकॉज, बिकॉज का यूज करके ये दो सेंटेंस है इनको कंबाइन करना है, तो बिकॉज बीच में लगा दो, ये जो फुल स्टॉप है यहाँ पर, ये फुल स्टॉप है, ये फुल स्टॉप को हटा के यहाँ पे बिकॉज लगा दिया, तो ये दोनों सेंटेंस कंबाइन हो जाएंगे। ही डिड नॉट स्टडी वेल बिकॉज ही फेल्ड, ये बीच में नहीं लगाएंगे इसमें अपन, यहाँ पे जैसे सेंटेंस के मीनिंग के हिसाब से ये ऐसा आएगा, ही फेल्ड बिकॉज ही डिड नॉट स्टडी वेल, तो ही फेल्ड वो फेल हो गया, बिकॉज मतलब क्योंकि, ही डिड नॉट स्टडी वेल उसने अच्छे से अभ्यास नहीं किया। फिर इसी तरह ये दूसरा सेंटेंस है, ए डॉग बाइट माई फ्रेंड, चेंज इंटू नेगेटिव, इसको नेगेटिव में चेंज करना है, तो ए डॉग बाइट माई फ्रेंड, तो ये जो है ए इसमें डिड नॉट में एक ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, तो ये हो जाएगा ए डॉग डिड नॉट बाइट बाइट माई फ्रेंड। और ये इसी प्रकार ये जो क्वेश्चन है 5 नंबर का डूएस डायरेक्टेड जैसा कोष्टक में दिया है उस प्रकार से चेंजेस हमको करना होता है इसमें। फिर सेक्शन डी जो है ये टेक्स्ट बुक, हमारी जो 12th में जो टेक्स्ट बुक है, दो टेक्स्ट बुक है मेन जो है वो है फ्लेमिंगो, और सप्लीमेंट्री वाली जो बुक है वो वेस्टास है। तो ये दो बुक्स के ऊपर आधारित जो क्वेश्चन आंसर है, इसमें प्रोज का एक जो है एक्सट्रैक्ट दिया रहता है उस पे आधारित ये क्वेश्चंस करना है, 5 नंबर के 5 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आते हैं। इसी प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 9 जो होता है, इसमें पोयम का एक्सट्रैक्ट रहता है, पोयम की लाइनें दी है, ये पोयम की लाइनें दी है, और वो 3 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप के 3 प्रश्न आते हैं इसमें। फिर हम आगे जाएंगे क्वेश्चन नंबर 10, ये जो हमारे N5 दो दो नंबर के 5 प्रश्न, ये अप्रोच से होते हैं। और फिर क्वेश्चन नंबर 11 जो है, ये भी दो दो नंबर के 3 प्रश्न, ये पोयम के प्रश्न होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 12 में भी दो दो नंबर के 2 प्रश्न हैं, ये अप्रोच से होते हैं, और ये उससे आपके सप्लीमेंट्री जो रीडर है वेस्टास से है ये। और फिर ये क्वेश्चन नंबर 13,
ये 3 नंबर के 2 प्रश्न आते 6 नंबर के, ये भी आपके प्रोज लेसन से है। और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 75 वर्ड्स सेंट्रल आइडिया, पोयम का सेंट्रल आइडिया आता है 3 नंबर का, जितनी भी पोयम है उसमें से एक पोयम का सेंट्रल आइडिया पूछा जाता है। ये पोयम का क्वेश्चन, फिर लास्ट क्वेश्चन जो है वो भी तीन, दो क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14 और 15 है, 3 3 नंबर के होते हैं। इसमें आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 75 वर्ड्स, डिस्क्राइब ब्रीफली चार्लीज स्ट्रेंज एक्सपीरियंस इन द थर्ड लेवल। तो ये भी प्रोज लेसन का क्वेश्चन होता है। इस प्रकार से ये 12th का पेपर है आपका, 70 आपका टोटल मार्क्स है, 80 और 20 मार्क्स जो है वो प्रोजेक्ट के होते हैं। तो इस प्रकार से यही पेपर, इसी प्रकार का पेपर त्रैमासिक में आएगा, उसमें थोड़ा कम कोर्स रहेगा वार्षिक के बजाय। तो ये इस प्रकार से हम ये पेपर को देख के तैयारी कर सकते हैं, और सभी विषयों के पेपर आपको इस पे मिल जाएंगे। तो हम वापस इस पे लौटते हैं, तो हम ये वापस इस पे आ गए जहाँ से हम ये सभी सैंपल पेपर 10वीं और 12वीं के सभी विषयों के देख सकते हैं। अभी हमने एक इंग्लिश का देखा, अभी हम इंग्लिश 10th का भी देख सकते हैं। अभी ये इंग्लिश 10th पे जाके टच किया, इस पे गए, ये आ गया इंग्लिश 10th। ये इंग्लिश 10th जो है वो 75 मार्क्स का है। इसमें सेक्शन ए रीडिंग में जो क्वेश्चन है, इसमें 5 5 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 2 अनसीन पैसेज, इसको रीड करके इसके उत्तर देना। ये तो मैंने एक वीडियो डाला है जिसमें मैंने ये समझाया है कि अनसीन पैसेज, 10th के अनसीन पैसेज का कैसे उत्तर देना है। तो कोई भी पैसेज आ जाए उसका उत्तर आसानी से वो वीडियो देख करके लगा सकते हैं। फिर ये जो है, इसमें अनसीन पैसेज के बाद सेक्शन 10 नंबर के 2 अनसीन पैसेज, फिर सेक्शन बी में राइटिंग में जो है एक एप्लीकेशन और एक लेटर आता है अथवा में 4 नंबर का, फिर ऐसे राइटिंग है 5 नंबर का, इसमें जनरली या इंडियन फेस्टिवल, और ये दिया है ट्रीज आर ग्रीन गोल्ड, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, माय हॉबी। तो वंडर ऑफ साइंस का भी मैंने निबंध एक वीडियो में डाला है। तो यहाँ पे जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी में हम वंडर ऑफ साइंस को भी ले सकते हैं। फिर या तो निबंध लिखो दिए गए टॉपिक पे, या पैराग्राफ बनाओ जो दिए हुए ये टॉपिक, जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश है, तो कोई भी इसमें से कर सकते हैं। ये 5वां क्वेश्चन, ये 6ठा क्वेश्चन है, इसको चित्र को देख के और पैराग्राफ बनाना रहता है, 3 नंबर का है ये। ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर गिवन बिलो डिस्क्राइब हाउ कैन कीप आवर सेल्फ फिट एंड हेल्दी, तो ये है। फिर क्वेश्चन नंबर, ये पिक्चर कंपोजिशन, फिर ग्रामर में वही 5 नंबर के रिक्त स्थान, और 5 नंबर का ये डूएज डायरेक्टेड होता है। तो ये 10 नंबर का ये डूएज डायरेक्टेड, 5 नंबर का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 में ये जो डी सेक्शन है ये टेक्स्ट बुक का है। तो 10th में फर्स्ट फ्लाइट जो टेक्स्ट बुक है, फर्स्ट फ्लाइट का ये क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे, जिसने पाठ पढ़ रखे हैं तो वो ये उत्तर दे सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 2 आएंगे ए और बी, इसमें प्रोज लेसन का एक्सट्रैक्ट आएंगी, प्रोज लेसन की लाइनें, और उस पे आधारित ये 3 3 नंबर के प्रश्न आएंगे, एक एक नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप के उत्तर चुन के भरना। अभी ये 10वें के बी में जो है पोयम की लाइनें आएगी, और उसके भी 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे एक एक नंबर के, तो ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप है, जो सही उत्तर है वो चुन के भरना। फिर उसके बाद ये जो है क्वेश्चन आंसर आएंगे 12 नंबर के, एनी 6 मतलब 2 2 नंबर के है। ये जो है 7 8 क्वेश्चन है, लेकिन इसमें से 6 करना रहते हैं 12 नंबर के 6 क्वेश्चन। फिर 12वां प्रश्न जो है वो 2 4 नंबर का है, उसमें 2 2 नंबर के 2 क्वेश्चन करना है। तो ये पोयम वाला क्वेश्चन आता, 12वें नंबर का पोयम के प्रश्न आते इसमें। 3 प्रश्न दिए हैं लेकिन इसमें से 2 करना है कोई। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 13 में जो है ये, इसमें भी 4 नंबर के दो दो प्रश्न करना है, 2 2 नंबर के, ये 4 नंबर का है 13वां प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 14, ये जो क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस एज ही फ्लेव
एरोप्लेन, तो ये प्रोज लेसन का है, 3 नंबर का है, 75 वर्ड्स में आंसर देना है, ये भी अथवा में है। तो 14 प्रश्न के 3 नंबर है, कोई भी एक प्रश्न करना है, 2 दिए हैं अथवा में। ये क्वेश्चन नंबर 15 जो है, ये पोयम का सेंट्रल आइडिया आता है इसमें, अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। और ये व्हाट इज द पोयम, ए टाइगर इन द जू, व्हाट इज थीम ऑफ द पोयम, मतलब थीम या सेंट्रल आइडिया बोलो ये पोयम का, इसमें क्वेश्चन नंबर 15 में आता है, 3 नंबर का। और लास्ट जो क्वेश्चन है वो भी प्रोज लेसन का आता है, और इसमें फुटप्रिंट्स विदाउट फिट वाली बुक है उसका है ये, हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल। तो ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये तो 10th पैक के ऊपर मैंने बहुत सारा पहले वीडियो में बताया है, उसमें मिल जाएगा आपको। तो इस प्रकार से ये हम सैम्पल क्वेश्चन पेपर भी देख सकते हैं, इसी प्रकार के पेपर हमको इसमें भी मिलेंगे। तो इसी प्रकार के अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।